बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर पर ही एलोवेरा के इस्तेमाल से अपने बालों को बेहद ही मजबूत, घना व लंबा कर सकते हैं। और एलोवेरा में बहुत से ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को सिल्की, शाइनी व मजबूत बनाएंगे। और बालों से जुड़ी हर समस्या जैसे कि डैंड्रफ हो, इचिंग हो, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो, इन सब समस्या से निजात पाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप कुछ ही दिनों में अपने बालों को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सो चलिए, सो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए एक फ्रेश एलोवेरा की लीव्स। और अब हमें एलोवेरा को वहां से कट करना होगा जहां से इसका चौड़ा पार्ट है। और अब हमें नाइफ से एलोवेरा की साइड्स को कट करना होगा। और अब हमें एलोवेरा के आगे वाले भाग को कट करना है जहां से वे गंदा खराब हुआ है। और अब हमें एलोवेरा के मिडल पार्ट को कट करना है। हमने एलोवेरा को अच्छे से कट कर लिया है और अब हमें एलोवेरा जेल बनाने के लिए एलोवेरा से एलोवेरा जेल निकालनी है इस तरीके से पीसेस में कट करके। क्योंकि हमें इस तरीके से निकालना है क्योंकि हम इसे बाद में जार में ग्राइंड करेंगे। हमें अच्छे से एलोवेरा जेल निकाल लेनी है। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने एलोवेरा जेल को एक बाउल में निकाल लिया है। मैंने इतना ही एलोवेरा यूज निकाला है क्योंकि मेरे बाल छोटे ही हैं और मुझे इतना ही एलोवेरा यूज लेना है। सो अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने एलोवेरा को ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने उतना ही एलोवेरा ग्राइंड किया जितना कि मेरे बालों में यूज करना है मुझे। और अब हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और अब हमें इसमें कम से कम एक चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल यूज करना है। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख ही सकते हैं। और फिर हमें हमारे बालों की रूट्स में, जड़ों में इसे अपने हाथों, अंगुलियों की पोरों में लेके अच्छे से बालों में अप्लाई करना है। और इसे हमें कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है। और फिर आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से कई गुना ज्यादा अच्छे, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। क्योंकि यह एक होम रेमेडी है। आप सभी जानते होंगे कि एलोवेरा हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है।